बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक हो चुकी है यहाँ पर। इतने घोड़े हैं कि जजेस को बाहर बछेरा कैटेगरी की प्रतियोगिता ये अभी चल रही है। काफी अधिक संख्या में पशुपालकों ने इसमें भाग लिया है। जजिंग की प्रक्रिया चल रही है क्योंकि प्रतिभागी अधिक संख्या में है, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। आप सभी धैर्य बनाए रखें एवं प्रतियोगिता का आनंद लें। तुम देखो पूरा एक रंग काला बच्चा है ये। अभी इसका जजमेंट का वक्त भी आएगा, हम आपको दिखाएंगे कि जज साहब हमारे कितनी बारीकी से इस और जी। ठीक है ठीक है ठीक है। इमरान भाई का, इमरान भाई का, इसका बच्चा ये काजिम का। कितने महीने का है ये? हो गया जी कितने भाई यार? 27 महीने। और हाइट क्या होगी इसकी 27 महीने में? 64 क्रॉस प्लस है, प्लस है। हाँ नहीं ऑफकोर्स ऑफकोर्स रोड को आती अच्छी नहीं, पर रोड उसमें भी ये ऊंचा दिख रहा है सबसे। दिक्कत ही बहुत ही सुंदर बच्चा है। नाम क्या भाई? आरपीजी आरपीजी किसी प्रकार की कोई चोट आपको ना लगे, इसका विशेष ध्यान रखें। ये तो ब्रीड ही उधर हुआ महाराष्ट्र। सभी पशुपालक भाई भी अपने आरपीजी आरपीजी जी है इसका नाम। जजिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत ही बारीकी से जज महोदय जजिंग करते हुए भाई भाई बहुत ही उत्साह के साथ सभी पशुपालकों ने बढ़ चढ़ कर इन सभी प्रतियोगिता में भाग लिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। Thank you.
दर्शक गण से नियोजन है, कृपया इस रिंग से उचित दूरी बनाते हुए आप प्रतियोगिता का आनंद लें। अभी किस मंथ का होने वाला है? वो किस मंथ का होने वाला? किसका बच्चा है? अनोन लाइन का है। अनोन लाइन का क्या है? इसे आयोजित किया जाएगा। सभी प्रतियोगिता में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है उनमें से एक उसी के साथ लगान स्टाइल क्रिकेट पेज भी इसी मेला के बारे में जानकारी दो। कहाँ से परचेस किया आपने? कहाँ से परचेस किया आपने? मैंने गुजरात से परचेस किया। गुजरात से परचेस किया तो इसके फादर का लाइन का आपने को आइडिया नहीं? और कितने घोड़े आपके पास? पाँच घोड़े। पाँच घोड़े किस लाइन में? इसी कब आए आप मेले में? मेले में कब आए? कहाँ से पधारे आप? उदयपुर से। उदयपुर से? कहाँ से? बहुत ही सुंदर घोड़ा। क्या नाम बताया आपने इस बच्चे का? श्याम सुंदर। बहुत ही सुंदर बच्चा है आपका। सत श्री अकाल भाई। कहाँ से पधारे सर? अहमदाबाद से। अहमदाबाद। क्या नाम आपके स्टेट फार्म का? हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपके इस बच्चे का? बच्चे का नाम वेद। सॉरी वेद। वेद वेद किसका बच्चा है? ये देव का बच्चा है। देव? देव ऑल इंडिया चैंपियन। देव। अच्छा ऑल इंडिया चैंपियन देव। कितने महीने का हो गया ये बच्चा आपका? 24 मंथ का। 24 मंथ्स का है। और क्या हाइट है अभी इसकी? हाइट तो कोई माफी नहीं है, 63 प्लस ही है। क्या नाम रखा है आपने इसका? वेद रखा इसका। वेद? हाँ जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये वेद नाम का बच्चा कितने महीने का हो बताया आपने इसका? 24 मंथ्स में 63 प्लस। हाँ जी। बहुत ही अच्छी ग्रोथ में है बच्चा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आगे दिखाता हूँ मैं आपको और भी इतने सारे घोड़े। भाऊ जी एक मिनट। बाहर भी बछेरे खड़े हैं, इतने बछेरे होने के बावजूद अंदर रिंग में ये भी बछेरे हैं। सर आपका क्या कैटेगरी में लगा नहीं बछेरा? अभी लगाएंगे ना। अभी लगाएंगे। कितना नंबर है आपका? 7 नंबर। आपका नंबर नहीं आया अभी तक अंदर? नहीं। तो 60 बछेरे अंदर खड़े हैं, उसके बाद भी कुछ बछेरे बाहर भी खड़े हैं। आई डोंट नो ये रिंग कब कैसे कंप्लीट होने वाली है, ठीक है, बट स्टिल बहुत बढ़ चढ़ के बछेरों की कैटेगरी में। आपका भी नंबर नहीं आया अभी तक, आपको भी जाना है अभी अंदर। कहाँ से बता रहे हैं आप? अजमेर से। अजमेर से ही हैं। क्या नाम है इस बच्चे का? जगीरा। 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 अच्छा जोशीले देख लिया आपने? जोशीले देख लिया आपने? Yes. अच्छा 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 अच्छा। तो ये जगीरा है जिसको अनिल कपूर और सनी देओल ढूंढ रहे हैं पिछले कई सालों से, पर ये मिल नहीं रहा। फाइनली आज हमको मिला है ये। बहुत ही सुंदर बच्चा है ये। किसका बेटा है ये? शमशेर का, दाने का पोता है। शमशेर का है, दाने का। जिन लोगों को मेरा ये जगीरा वाला जोक समझ में नहीं आया गाइस, आप एक बार जोशीले फिल्म देख लो, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। आपको बहुत अच्छा बच्चा है, नाम भी इसका बहुत ही सुंदर नाम है। नमस्कार सर। कहाँ से बता रहे साहब? आपका नंबर कितना है एक बार घूमिए इधर। ये देखिए सर 58 नंबर इनका है। और कितने घोड़े आए हैं यहाँ पे अभी ये अदंत में कैटेगरी में? अभी 85-90 तक आए। ओहो, मतलब कल तक रिंग चलने वाली है कुल मिला के। तो कहाँ से बता रहे सर आप? जोधपुर से। जोधपुर में कहाँ से सर? जोधपुर से। क्या स्टेट फार्म का नाम? परियार एग्रो स्टेट पर। परियार एग्रो स्टेट पर। अच्छा ठीक है। और क्या नाम है इस बच्चे का? इसका नाम तिलक है। तिलक। किसका बच्चा है ये? ये गुलजार का, प्रभात का पोता। प्रभात का पोता है ये। और प्रभात के जैसी ही कंडीशनिंग है। प्रभात के भी तीन पैर सफ़ेद है ना? इसके चारों पैर है, चौथे में जवाब है ना? हाँ। ओके, सुंदर बच्चा है, बहुत अच्छी कट कंडीशन का बच्चा। अच्छी क्या हाइट पकड़ ली इसमें? 62 प्लस। बहुत ही सुंदर बच्चे रहे सर। 85 बच्चे इस रिंग में
इनका कहना है कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो कि लग भी रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट 60 से ऊपर बच्चे खड़े होने के बावजूद रिंग के बाहर भी बच्चे खड़े हैं, आप देख सकते हैं, जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आई डोंट नो कब कहाँ कैसे ये रिंग कम्प्लीट होगी, बट जजेस के लिए एक सीरियस चैलेंज आज इस कैटेगरी में 100% आने वाला है कि किसको कहाँ कैसे रेट करें। और सभी बच्चे एक से बढ़ बढ़ के एक हैं, ये देखिए। तो जब दांत चेक करने की बारी आती है या सूंड चेक करने की बारी आती है तो जजेस को दो बार सोचना पड़ेगा इन बच्चरों के पास जाने से पहले, क्योंकि ये अपने हैंडलर्स को भी अपने ज़्यादा पास आने नहीं दे रहे। तो गाइस ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रिंग होने वाली है। सुबह से हम लोग यहाँ पर हैं और हम लोगों ने बछेरियों की सभी कैटेगरीज लेकिन कैसे हाँ जी सत्या जी कहाँ से पधारे आप? जिला श्री मुक्तसर साहब जी हाँ माणीखेड़ा जी माणीखेड़ा से। कब पधारे साहब आप यहाँ पे? हाँ जी कब पधारे आप? परसों आ गए जी। परसों आ गए थे जी। तो आपने सोचा था कि अदंत कैटेगरी में इतने बच्चे होंगे? नहीं सोचा थे। आपके हिसाब से कितने बच्चे आए होंगे यहाँ पे? ऐसा कहा 18-20 बच्चे आए होंगे। कितने? 70 बच्चे हो गए। अभी सर 60-65 बच्चे अंदर खड़े हैं, उसके बाद बाहर भी खड़े हैं 10-12 बच्चे। तो मतलब कैसे जज करेंगे? बहुत मुश्किल है जजेस के लिए, बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। तो ये बछेरे के बारे में बताइए, आप अपने बछेरे के बारे में। काले कांटे का पोता, डीएनए प्रूफ। कितने महीने का हो गया सर ये बच्चा? 16 महीने का। और हाइट क्या है इस बच्चे की? हाइट क्या हो गई इस बच्चे की? 62 इंच हो चुके हैं इस घोड़े के। इसके बहुत अच्छे पीछे के दोनों सॉक्स बड़े हैं, दो पैर सफ़ेद, मुंह पे अच्छा ब्लेज है, इसका खुला ब्लेज है। अच्छी पैटेगरी का बच्चा, काले कांटे का डीएनए अप्रूव्ड बच्चा है ये। काले कांटे का इसका दादा हो गया, हाँ जी 27 का बच्चा हो गया डायरेक्ट। और डैम के साइड से आपके पास ही है? ओके जी हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको पुष्कर मेले में, मतलब क्या आपका आपका क्या फीडबैक है पुष्कर मेले के बारे में? पुष्कर ये जो वजन का कारण है बच्चे पंजाब से मंडियां बंद होने करके हाँ। तो बच्चा ज्यादा है जी। ज्यादा है? ज्यादा है हाँ। आपके हिसाब से रिंग थोड़ी बड़ी करनी चाहिए? रिंग बहुत बड़ी करनी चाहिए, जब तो जगह की मैनेजमेंट पूरी है। जबकि मेला ग्राउंड अगर आप देखना चाहो तो इतना बड़ा है कि आप मेले में मतलब सारी रिंग से साथ दे सकते हैं। इन्होंने एक छोटा सा ग्राउंड रखा है और जो जाके हमको समझ में आ रहा है कि ये बहुत छोटा हो गया। बच्चे पढ़ाई तो घट भी होने भी रैंक छोटा है जी। हाँ जी रैंक तो भी छोटा है, रिंग तो भी छोटी है क्योंकि क्योंकि बच्चे को अच्छे से मतलब शाइन करने के लिए परफॉर्म करने के लिए जगह नहीं है, सही जजिंग होनी नहीं जी। हाँ सही जजिंग होनी नहीं। हाँ जी लेकिन स्टिल जजेस अपना पूरा एफर्ट ले रहे हैं, बाहर से भी जज कर रहे हैं। मुश्किल आ गई ना, मुश्किल 100% मुश्किल आएगी, 100% मुश्किल आएगी, बट फिर भी ऑल द वेरी बेस्ट सर। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम उम्मीद करेंगे आपका बच्चा बहुत अच्छा करके जाए रिंग में। धन्यवाद जी, ओके जी थैंक यू। जैसा कि आप व्यूअर से भी सुन रहे हैं, हॉर्स ऑनर से भी सुन रहे हैं कि मतलब रिंग छोटी है और बच्चे कुछ 70-75 के आसपास आ चुके हैं ऑलरेडी। 80 बच्चे हैं, 80 आए तो 80 बच्चे यहाँ पर कुछ बच्चों ने एक्सपेक्ट किया। तो गाइज अभी के लिए मैं आपको ये जो रिंग दिखा रहा हूँ ये इसका फर्स्ट राउंड चल रहा है अभी, और थोड़ी सी बैटरी लो हो गई है। आरजे 19 हॉर्स वर्ल्ड। तो गाइज आप जुड़िए हमारे साथ RJ19 हॉर्स वर्ल्ड पे, और हम लोग हैं यहाँ पे पुष्कर फेयर में जहाँ पर अदंत कैटेगरी के बच्चों की रिंग शुरू हुई है शाम के वक्त। और बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है हॉर्स लवर्स के लिए, जजेस के लिए, हॉर्स ओनर्स के लिए, हैंडलर्स के लिए, प्रशासन के लिए, बिकॉज यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी हाथ से बाहर निकल रही है। बिकॉज रिंग में अंदर तक बच्चे रखने के बावजूद भी बच्चे अभी बाहर वेट कर रहे हैं। और ये देखिए जब जब ज़्यादा भीड़ और बछेरे होते हैं
तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको फेस करना पड़ता है, बिकॉज नर घोड़ा अपने आसपास में दूसरे नर घोड़े को बर्दाश्त नहीं करता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जहाँ पे के हैंडलर्स को भी उतना आइडिया नहीं हो पा रहा है कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को हैंडल करें। बहुत नामी ब्रीडर्स भी यहाँ पर आए हैं देखने के लिए और लेट्स सी क्या होता है इस रिंग में। तो आगे हम आपको बताएंगे जब कुछ रिजल्ट सामने आएगा, तब तक के लिए बने रहिए RJ19 हॉर्स वर्ल्ड। थैंक यू। तो गाइज हम फिर से आ गए गुजरात के, एक हमारे मित्र हैं यहाँ पे जो एक ये शानदार बच्चा लेके आए, कुछ बताइए बच्चे के बारे में। नवरत्न का बच्चा है, गुजरात मेहसाणा से आए हमारे साथ। आपका शुभ नाम? नरेश चौधरी। नरेश जी चौधरी साहब, कितने बच्चे लेकर आए सर आप? 12-13 बच्चे लेकर आए। और अभी आपने मतलब बछेरी में भी आपने अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस किया था? हाँ किया ना, अभी दिलशान की थी एक बछेरी, उसको भी किया है। अच्छा, हाँ। तो थोड़ी देर पहली बार आया पुष्कर मेले में? हाँ अभी पहली बार ही आए। तो कैसा लगा आपको पुष्कर? बढ़िया एकदम। आपने सोचा था कि अजंत कैटेगरी में इतने सारे बच्चे आ जाएंगे कि मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ? ऐसा लग रहा है मैं किसी व्यापारी के पास खड़ा हूँ। बहुत बच्चे आए। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपने? इससे पहले कभी किसी रिंग में पार्टिसिपेट किया आपने? मेहसाणा में थी ना हमारे, मेहसाणा होती है। पुष्कर पहली बार आया? ओके। तो ये है हमारे साथ हमारे दोस्त जो अभी भी बने, मेहसाणा से आए हैं ये पुष्कर फेयर में अपने बच्चों को लेकर। कितने बच्चे लेके आए हैं आप यहाँ पे? इसमें दो बच्चे हैं, तीन स्टेलियन है। तीन स्टेलियन, वो भी स्टेलियन कैटेगरी में लगाने वाले हैं आप? कल लगाने वाले हैं। तो होपफुली हम लोग उम्मीद करेंगे आपके बच्चे अच्छा करें रिंग में, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। डिस्प्ले के लिए लाए रिंग स्टेलियन को आप, लेकिन घुमाएंगे बाद में घुमा के निकाल दो। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे तो अभी बहुत ही ज़्यादा रश हो गया, शाम का वक्त है दोस्तों, लेकिन अभी भी मतलब गर्मी पूरी रिंग में एकदम बरकरार है। रुद्रा का बच्चा नवरत्न है हमारा ये। हाँ वो जो लेके खड़े हैं ना। हाँ हाँ ये। हाँ ओके। तो ये सुंदर सुंदर बच्चे देश के सभी कोनों से ब्रीडर्स लेके इस पुष्कर मेले में आए हैं, कि ये भारत का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ी रिंग होती है। और इस रिंग को देखकर आपको ये प्रूव हो जाता है कि ये क्यों सबसे बड़ी रिंग इसको कहा जाता है, सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। सभी ब्रीडर अपने अपने अश्वों को लेकर, अपने अपने बच्चों को लेकर, अपने अपने नगीनों को लेकर इस मेले में आते हैं और यहाँ पर रिंग में उनका लोहा मनवाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ RJ19 हॉर्स वर्ल्ड के साथ, और हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही लाजवाब बछेरे, बछेरियाँ, स्टैलियन और उनके लाजवाब ओनर्स। थैंक यू सो मच। बछेरा ये लोग लेके आए हैं, बताइए कौन सा बछेरा है? ये वाला का है। ये एक और बछेरा ये मेहसाणा से लेके आए, गजराज का होता है और वीर ध्वज किस लाइन का हो गया? राज तिलक लाइन उसका पोता हो गया ये। ओके। उसकी माँ चिपरा वाली, अंकुर भाई के पास। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी बहुत अच्छा बछेरा है। कितने महीने का बच्चा है ये? 16 महीने का। और क्या हाइट हो गई इसकी? 62। इसका पान बहुत सुंदर है, एक अच्छा पैटर्न, और पैर इसके एक पीछे के पैर में हल्का सा स्निप है, हल्का सा जवाब है, बाकी इसके मुंह पे एक तिलक है और स्निप है। कितने महीने का हो गया बच्चा? 16 महीने का। गाइस शाम का वक्त और इस सुंदर मौसम के बीच में रिंग में फुल ऑन गर्मी, क्योंकि बहुत सारे खूबसूरत बछेरे इस रिंग में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए आए हैं और हैंडलर्स भी पूरी कोशिश के साथ लगे पड़े। तो क्या लग रहा है आपको मतलब इस रिंग में कहाँ आपने सोचा था इतने सारे घोड़े आने वाले हैं? कभी देखी आपने ऐसी रिंग? देखी है कभी? मतलब 60 बच्चे रिंग में खड़े हैं और 10 बच्चे बाहर भी खड़े हैं, अभी उनका भी नंबर आना है। अदन बच्चे बहुत आए हैं। चलिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और इस बच्चे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो चाहते हैं सारे ही बच्चे अच्छा करें और अपने ओनर्स का नाम रोशन करें।
गाइस जजेस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाने वाला है, बिकॉज सारे बच्चे एक से बढ़ बढ़ के एक हैं।